हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लीफ में किस अकॉर्डिंग कैसी शेडिंग पड़ेगी। और मैं आपके सामने एक लीफ का पार्ट भी लाया हूँ जिसको मैं देख के एग्जैक्ट इस साइड में शेड करूँगा और उसकी ड्राइंग करूँगा। ठीक है, आपको भी इस अकॉर्डिंग ड्राइंग को फॉलो करना है। आपके घर में कोई भी पेड़ हो, उसकी एक लीफ इतनी छोटी तोड़िएगा, देन उसके बाद अपने साइड में रख के देन उसके बाद स्टडी करिएगा। शेडिंग में क्या क्या चीज़ ध्यान रखेंगे ये चीज़ हम देखेंगे आज। और लीफ में किस अकॉर्डिंग कैसे लाइट इफेक्ट पड़ रहा है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये देखिए, फर्स्ट तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिस अकॉर्डिंग मुझे दिख रही है लीफ, ठीक है, आपको ऊपर से नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो मे भी हो सकता है आपको ड्राइंग जो मैं बना रहा हूँ वो डिफरेंट लगे इसकी जो सामने रखा है मॉडल उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इसको सामने से देख के बना रहा हूँ। तो मुझे वो जिस अकॉर्डिंग दिख रही है मैं उस अकॉर्डिंग की ड्राइंग कर रहा हूँ फर्स्ट। तो ठीक है, जिस अकॉर्डिंग मुझको दिख रही है सेम, बस मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। और आपको जिस अकॉर्डिंग जैसे लीफ नज़र आ रही हो आप उस अकॉर्डिंग को शेड करेंगे, उसकी ड्राइंग करेंगे। और जब ड्राइंग कर रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कि ड्राइंग है उसको बहुत ही हल्की शेडिंग से शेड मतलब ड्रॉ करिएगा, जिससे क्या हो अब जिसकी जो ओवरलाइनिंग वो मैं हटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो पूरी जो लीफ हमारी देखिए इस तरह से दिख रही है तो उसके ऊपर हम पर शेड करेंगे। शेड ऐसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, अपर साइड से। और इसके देखिए मुझे नीचे शेडो इसकी दिख रही है, तो मैं इसके शेडो की भी ड्राइंग कर लेता हूँ हल्की हल्की सी। जहाँ जहाँ मुझे शेडो दिख रही है उस अकॉर्डिंग में फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसको पहले हम शेड कर लेते हैं, सिंगल टोन मार लेते हैं पूरे में। केवल आपका जो आपको मॉडल है सेम उसको बस फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद इसको हम कॉटन से मिक्स कर देंगे। मुझे जिस अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ बस।
हमारी जो लीफ का एक एक साइड है उसको मैंने कर दिया है। तो ये एक्स्ट्रा लाइन इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम इसकी डिटेलिंग करते हैं। ये ब्लेंडिंग टूल्स हैं, इनका यहाँ पे यूज़ लगेगा तो इनको हम यूज़ करेंगे। इनमें किस अकॉर्डिंग हमारे जो लीफ में जो पैटर्न आ रहा है वो किस अकॉर्डिंग आ रहा है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसको भी हम फॉलो करेंगे धीरे धीरे। जो इसके जो बीच का पार्ट है जो उभरा हुआ है ये हल्की हल्की शेडिंग करेंगे। ये पैटर्न है वो ये हो जाने के बाद इसको यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल से इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हल्का सा शेड करेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमारे लीफ में डेप्थ आ रहा है उस अकॉर्डिंग वहाँ पे हम उसको उसको शेड करेंगे। थोड़ा सा और इसको डार्कर में ले जाएंगे हम। रिकॉर्डिंग इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ये हो जाने के बाद अब इसके जो नीचा भी देखिए पूरा ये हुआ नहीं क्योंकि इसकी जो मिक्सनेस ना जो शार्पनेस है वो नहीं आई है। तो इसके ऊपर जो धीरे धीरे हल्के से जो पैटर्न है लीफ के वो हम इस तरह से पैटर्न का कोई ड्राइंग नहीं है। आपकी एक लीफ पे जिस अकॉर्डिंग पढ़ रहा हो आप उस अकॉर्डिंग उसको फॉलो करिएगा। जैसे यहाँ पे है यहाँ पे हल्का सा शेड डार्क कलर मिलाएंगे। ठीक है, ये इस जगह पे डार्क कलर में शेड लाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारे जो लीफ का जो कर्व आया है उस जगह पे हम उस जगह पे हल्का सा हम शेड ये देखिए इस अकॉर्डिंग ये
क्योंकि जहाँ जहाँ पर डार्क प्रपोर्शन है उस जगह को हम इसको और डार्कर करेंगे। डार्कर के लिए हम यहाँ पे और पेंसिल मोटी और डार्क वाली यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस अकॉर्डिंग इसके जो साइड्स हैं में, ये चीज़ हमें देखनी है किस किट साइज से डार्क पड़ रहा है, किस साइड से लाइट पड़ रहा है, तो वो भी चीज़ हमको देखना है। और यहाँ पे जो इसके नीचे शेडो उसकी बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग शेडो में क्या करना है आपको, सिंपल सा बस ब्लैक कर देना है बस, कि जो पोर्शन आपने किया है उसको अच्छे से ब्लैक कर देना है बस। ये देखिए धीरे धीरे आपको ये नहीं कि इकट्ठा पूरा डार्क कर देना है, धीरे धीरे चीज़ें पैटर्न आएंगी, डिजाइनिंग जो आएगी धीरे धीरे आएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमारी ये रबर है इसको जो जो ये अलग पार्ट है जो अपर पार्ट है इसको हम हाईलाइट करने के लिए हल्का हल्का सा इरेज करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा ये हाइयर पोर्शन है। ये देखिए इस अकॉर्डिंग हमें क्लियर होना चाहिए ना कहाँ से हमारा हाइयर पोर्शन आ रहा है, कहाँ से हमारा डीपर पोर्शन आ रहा है। ये चीज़ें देखिए इस अकॉर्डिंग ये देखिए अकॉर्डिंग कैसे पूरी लीफ आई है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये पता है कि लीफ का आ रहा है इफेक्ट आ रहा है जिस अकॉर्डिंग है, जहां जहां पे हमारा जो हाइयर पोर्शन है उसको हम लाइटर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो ये चीज पोर्शन है हमारा इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे और ये शेडो। अब सेम ऐसे ही ये हमारी दूसरी वाली लीफ होगी जिस अकॉर्डिंग इसको मैंने किया हुआ है, ये वाली इसको भी हम देखें क्या जैसे यहाँ मेरा पोर्शन डार्कर मुझे फील दिख रहा है, तो मैं फर्स्ट में क्या करूँगा तो शेड में कर रहा हूँ ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ पे जो हमारे जो लीफ के अंदर का जो पैटर्न है वो हम ड्रॉ करेंगे
इससे हमें थोड़ा सा क्लियरफाई हो जाएगा। ये देखिए इसे अकॉर्डिंग पैटर्न डिज़ाइन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो यहाँ पे डंडे स्टार्ट हुई है वहाँ से, यहाँ से हमारी जो लीफ स्टार्ट हुई है उस जगह से देखिए जितने हमें डेप्थ वाले पार्ट हैं उनको मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे इसको हम मिक्स भी किए दे रहे हैं इस अकॉर्डिंग, ठीक है। बस ये कि इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप कर रहे हो। अब ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये है तो इस जगह पे जिस पैटर्न में आपकी जो लीफ फोल्ड है उसको उस पैटर्न में रहने दीजिएगा। ये देखिए रिकॉर्डिंग जैसे आपको दिख रहा है सेम, बस उसको ऐसे ही एज इट इज फॉलो करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम डार्कर पेंसिल का यूज़ करेंगे। डार्कर में ये देखेंगे हमारा क्या पार्ट इसमें डार्क पोर्शन में आ रहा है, उसको हम डार्क करेंगे धीरे धीरे। जैसे डेप्थ पार्ट है, जो डेप्थ पार्ट को ये देखिए जैसे ये डेप्थ पार्ट है तो उसको डार्क टू लाइट लेके आएंगे, सेम वही चीज़। इसकी मिक्सिंग करेंगे जिस अकॉर्डिंग लीफ आई है हमारी। हल्का सा ये पता चलना चाहिए कहाँ से हमारा कर्व आया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस अकॉर्डिंग ये इसकी शेडो हम क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे भी इसको हम अब इसको हम एक साइड ही सिर्फ करेंगे, दोनों साइड पे नहीं इफेक्ट देंगे इसका, बस हल्का सा मिक्स करके इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब इसके बाद देन इसका जो हायर पोर्शन है इसको हम लाइट छोड़ देंगे। अब सेम ऐसे ही एग्जैक्ट जो हमारी जो टॉप की है उसको भी इसी अकॉर्डिंग हम करेंगे।
इसको मर्ज कर देंगे ये जो। अब इसके बाद इसके सेम जैसे मैंने इसमें बाकी सब में किया था उसी अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे। इसमें हम डेप्थ देखेंगे किस साइड हमारी पड़ रही है, तो उस पार्ट को हम उसको हाईलाइट कर देंगे, डार्क कर डार्क का पोर्शन ले जाएंगे, और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको लाइट में। अब जैसे ये हमारा ये एक बार इसको हम आउटलाइनिंग जो है थोड़ा सा और अच्छे से डार्क कर देते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा हमको कहाँ पर इसको हमें डेप्थ देना है कहाँ पर नहीं देना है डेप्थ। जैसे इसके जो ये पार्ट है ये जहाँ जहाँ पे आपको कर्व अंदर की ओर है वहां से आपको डार्क पोर्शन मिलाना है, ठीक है। अब इस साइड से भी अपोजिट साइड से भी सेम ऐसे ही। इसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाने के बाद इसको थोड़ा और डार्क पोर्शन दे देंगे हम। सेम जैसे इसको दिया गया सेम उसी अकॉर्डिंग हम इसके बाद इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी शेडो है इसको हम ये जैसे ये हमारी शेडो है तो इसको हम डार्कर में अब यहाँ पे जिसको जो हाइयर पोर्शन है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। ये हो जाने के बाद इसके जो नीचे का जो शेड है शेडो है वो भी हम देंगे। थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट
आप चाहो तो यहाँ पे व्हाइटनर का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे वैसे व्हाइट जेल पेन है मेरे पास, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए हमारी ये पूरी पूरी रेडी हो चुकी है। जो हल्का सा जो शेड है जो आपको लग रहा है कि मिक्स नहीं है, आप उसको अब ये देखिए ये हमारा ये पूरा देखिए लीफ कुछ मैंने उस अकॉर्डिंग बनाया जिस अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आप भी उसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा जिस अकॉर्डिंग आपको आपकी का मॉडल दिख रहा हो एग्जैक्ट, आपको आपको भी वही चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। मैंने जैसा बनाया है वो तो मैंने अपने मॉडल को देख के बनाया है, तो आपको भी क्या करना है, आपको अपनी ड्राइंग अपने मॉडल को देख के बनानी है। फर्स्ट आपको आप कोई भी फ्लावर की लीफ ले लीजिए, कोई भी ये देखिए प्रॉपर देखिए शेड की शेडो भी आया हुआ है तो फील हो रहा है वो चीज़ है। तो जिस अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है मैंने उस अकॉर्डिंग उसको पूरा ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।